हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रावत समाज ने सौंपा ज्ञापन देने के लिए बैठक बुलाई। स्वर्गीय कपिल रावत रामसीन हत्याकांड को लेकर मामले की न्यायिक जांच को लेकर समस्त रावत ब्राह्मण समाज छात्रवास सिरोही में रावत ब्राह्मण समाज पाली जालौर सिरोही के समाज बंधुओं की बैठक हुई आयोजित। गत वर्ष 7/7/2020 में रामसीन जिला जालौर में हुए कपिल रावत हत्याकांड में पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई नहीं करने से आहत रावल ब्राह्मण समाज पाली जालौर सिरोही के बंधुओं ने मीटिंग कर भरे हुंकार। समाज ने एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए सैकड़ों समाज बंधु रहे मीटिंग में उपस्थित। बैठक में कपिल की माताजी को न्याय दिलाने के लिए सर्वसहमति से एक सुर में आवाज उठा। कपिल के केस को पुनः खुलवा कर न्यायिक जाँच करवा दोषियों को गिरफ्तार कर कड़ी सजा दिलाने हेतु 15 सदस्यों की युवा कमेटी का किया गया गठन। कमेटी के माध्यम से जालौर पुलिस अधीक्षक, जोधपुर पुलिस महानिदेशक, जयपुर पुलिस महानिदेशक, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार एवं गृह मंत्री राजस्थान सरकार के नाम ज्ञापन तैयार कर जल्द ही सौंपने का निर्णय लिया गया। यदि उसके बावजूद भी प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो समस्त रावल ब्राह्मण समाज पाली जालौर सिरोही द्वारा रामसीन थाना पर किया जाएगा विशाल धरना प्रदर्शन। इसी दौरान समाज के विभिन्न संगठनों ने कपिल रावल के केस में आने वाले खर्च को भी उठाने की घोषणा। जागरूक टीवी की सिरोही से खास रिपोर्ट।